डी रॉय कह रही हैं, आप हमेशा इतना पॉजिटिव कैसे रहते हैं, कुछ टिप्स हम लोग के लिए। यार गुड्डी देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे या जो भी लोग भी आपको पॉजिटिव दिखते हैं या जो लोग भी बहुत एक्टिव हैं उनको लाइफ का नेगेटिव साइड दिखता नहीं है या उन्होंने देखा नहीं है या पैसिविटी उन्हें दिखती नहीं है या निराशा उन्हें दिखती नहीं है, दिखती है। बट आप चूज करते हैं वो पॉजिटिव रहना या आप इन दोनों में से नेगेटिव की जगह पॉजिटिव को चूज करते हैं, क्योंकि फायदा इसी में है, बेनिफिट पॉजिटिव देखने में ही है। नेगेटिव देख सकते हो आप, बट उसको जरूरी नहीं है कि आप हर रोज ध्यान में रखो और उसी तरफ आप झुके रहो। आप क्या पॉजिटिव कर सकते हो, आप क्या चेंज ला सकते हो, आपके हाथ में क्या है, उन चीजों पे फोकस किया जाए तभी कुछ परिवर्तन संभव है। अदरवाइज नेगेटिव तो है ही, और अगर आप नेगेटिव में जाओगे तो ये ऐसा लूप है कि आप बहुत ही ज्यादा डार्क और हर चीज में आपको परेशानी और गंदगी और हेटरेट दिखेगी, है ना। फिर ये वो वाला सीन है, आजकल आप देखोगे कोई भी कुछ भी काम करता है ना, बहुत आसान होता है उसको क्रिटिसाइज करना या उसको हम कहें ट्रॉल करना या उस पर बुरा बोलना, लेकिन खुद से मेहनत करके कुछ बिल्ड करना, किसी तरफ काम करना, अपनी मेहनत करना, वो मुश्किल चीज है। तो कोशिश इस बात पे रहनी चाहिए कि हम पॉजिटिव साइड देखें, मेहनत करें और एक होप क्रिएट करें अपने लिए भी और चार लोगों के लिए भी। वो अपने आप में अच्छी चीज है, उसका बेनिफिट है। कुल मिला के इसका बेनिफिट नहीं है, जिस चीज का बेनिफिट नहीं है उसका कोई पॉइंट नहीं है काम करने का। और बेनिफिट सिर्फ पैसे में नहीं होता, बेनिफिट आपके मेंटल पीस में हो सकता है, हैप्पीनेस में हो सकता है, चार लोगों को इंस्पायर करने में हो सकता है। तो पॉजिटिव का बेनिफिट है हमेशा, नेगेटिव का कोई खास बेनिफिट है नहीं। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, बट चूज कीजिए पॉजिटिव रहना।